हाँ तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने व्हाट्सएप के नंबर पे हर एक नंबर पे अलग अलग नोटिफिकेशन सेट करना चाहते हो तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी का भी नोटिफिकेशन सेट करके रखा है, जिसके नंबर पे आप जो नोटिफिकेशन सेट करके रखोगे, जब भी उसका मैसेज आएगा तो वही नोटिफिकेशन बजेगा जो आपने सेट किया है। तो इससे आपको क्या होगा, बिना व्हाट्सएप को ओपन किए पता चल जाएगा कि आपके मैसेज किसने किया है, मतलब कि व्हाट्सएप में मैसेज किसने किया है आप आवाज़ सुन के ही पता कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बार बार व्हाट्सएप खोल के देखना नहीं पड़ेगा अगर आपको किसी का मैसेज का इंतज़ार रहता है तो वो आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको जिसके भी नंबर में नोटिफिकेशन अलग सेट करना है, आपका कोई भी पर्सनल आदमी हो सकता है वो, तो अगर मैं देख लो, अब मैं इस नंबर पे अलग सेट करना चाहता हूँ नोटिफिकेशन, मतलब कि इसका जब भी मैसेज आएगा तो अलग बजना चाहिए। तो इसके आने के बाद आपको प्रोफाइल पे आ जाना है उसका। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन का सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यूज कस्टम नोटिफिकेशन, इसको हम अनेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कॉल का एक अलग रहता है, कॉल का भी आप अलग कर सकते हो, अगर कॉल करती है करता है तो उस टाइम भी अलग बजेगा। और अगर मैं नोटिफिकेशन चाहते हो बस मैसेज का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नोटिफिकेशन टोन का जो ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको नोटिफिकेशन सेट करना है। तो जो आपको पसंद आ जाए आपको वो सेट कर लेना है। और अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है या कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप उसमें सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके फ़ोन में जो जो नोटिफिकेशन रिंगटोन गाना जो भी है सब यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ से आसानी से उसको भी सेट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप किसी के भी नंबर में अगर आप चाहते हो उसमें सेट कर सकते हो अलग। तो इसी तरह से आप अगर ग्रुप में भी सेट करना चाहते हो नोटिफिकेशन अलग, आप पता चल जाएगा कि ग्रुप में मैसेज आया है कि कोई पर्सनल मैसेज किया है, तो उस तरह भी आप कर सकते हो। ग्रुप में आने के बाद फिर से यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको फिर से ओपन करना है और यहाँ पे फिर उसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद आ जाए। तो आप ग्रुप का और पर्सनल मैसेज का सबका अलग अलग रख सकते हो। आपको जिसका भी नंबर का नोटिफिकेशन चेंज करना है बस आपको उसको क्लिक करना है, उसके बाद उसका प्रोफाइल में आना है और यहाँ पर कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको अनेबल कर देना है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके सेट कर लेना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में दूसरे जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।